हेलो स्टूडेंट्स, हम सेट्स पढ़ रहे हैं एंड इन सेट्स चैप्टर वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ सबसेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स ये हमने कर लिया था और इसमें भी आई थिंक जो लास्ट टॉपिक था वो सबसेट्स चले हुए थे। ये टॉपिक लास्ट में चला हुआ था, तो सबसेट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे कैसे रिजल्ट्स हैं? फर्स्ट, पहला रिजल्ट जो है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का सबसेट सभी होते हैं। सेकंड, जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट मीन्स फाई, वो सबका सबसेट आता है। सेकंड रिजल्ट है, ये है इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये सबका सेट होता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फाई है इज प्रॉपर सबसेट, इसको प्रॉपर सबसेट भी काउंट किया जाता है। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कई बार आपसे प्रॉपर सबसेट पूछे होते हैं, तो फाई एक प्रॉपर सबसेट है, याद रखना है। फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल सेट्स एक्सेप्ट इट्सेल्फ, खुद को छोड़ के बाकी सबका ये प्रॉपर सबसेट है। इट्सेल्फ, खुद को छोड़ के बाकी सबका क्या प्रॉपर सबसेट है। नंबर फोर, टोटल सबसेट कितने होते हैं किसी भी सेट के ऑफ अ सेट? ये होते हैं 2n। सेट कैसा? जिसमें n एलिमेंट हों, उसकी बात हो रही है। नंबर फाइव, टोटल प्रॉपर सबसेट ये कितने होने चाहिए? तो प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? वो सबसेट जिस जो खुद ना आए उसमें, वो सेट खुद ना आना चाहिए। तो ये भी टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा फिर प्रॉपर सबसेट। क्लियर? तो प्रॉपर सबसेट इतने हो जाएंगे। और अगर बात की जाए टोटल नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सबसेट्स, तो ये भी 2n-1 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है ना, ये एक सबसेट तो फाई होता है ना, एक सबसेट तो फाई भी होगा, तो उसको घटाना पड़ेगा, तो उसके लिए माइनस वन किया गया। तो सिंपल है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन नंबर वन, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट। सेट कैसा है? सेट इज दिस 1, 2, 3, 4 इज। ऑप्शन ए इज 15, ऑप्शन बी इज 14, ऑप्शन सी इज 16, ऑप्शन डी 17। तो आई थिंक एवरीवन कैन डू दिस क्वेश्चन। कैसे होगा? नॉन एम्प्टी बोला है, तो नॉन एम्प्टी तो मैंने अभी लिखा है। नॉन एम्प्टी कितने हैं? 2n-1 होते हैं। सो हेयर n इज 4, सो नॉन एम्प्टी विल बी 2n-4-1 विच इज 15। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? लेट s इक्वल टू सबसेट के ऊपर ही करते हैं फिलहाल क्वेश्चन, बाकी छोड़ो, बाकी बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन में सबसेट के ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन है, टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स, अब इनके सबसेट्स की बात की गई है, सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन
That of second set. Second set. Find M and N. तो मैं कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूँ. 4 7, ऑप्शन बी 7 4, ऑप्शन सी 4 4, ऑप्शन डी 7 7. तो इसको करने के कई तरीके हैं. एक तरीका तो आप ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो कि कौन सा सही है. मीन्स टू फाइनाइट सेट हैं जिनमें एम और एन एलिमेंट्स हैं, तो उनके जो सबसेट्स का जो डिफरेंस है वो 112 है, पहले वाले की 112 ज़्यादा है, मोर देन देट ऑफ सेकेंड सेट. तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर m - 2 पावर n कितना होना चाहिए, 112 होना चाहिए. तो आप फर्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लो, 2 4 - 2 7 के 112 आ रहा है, 2 7 - 2 4 ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है. तो आई थिंक ए और बी में से कोई आएगा, और आंसर पॉजिटिव है तो बी से ही आ सकता है. चलो मैं आपको बता देता हूँ, बी डायरेक्टली आंसर आ गया, लेकिन करना कैसे ये भी देख लो. 2 पावर m, तो सॉल्व करने के लिए मैं 2 पावर n कॉमन ले लेता हूँ, देन इट विल बी 2 पावर m - n - 1, इट इज़ 112, एंड दिस कैन बी रिटन एज कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इट विल बी 16 × 7. कंपेयर करके कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को. 2 की पावर्स बनानी है मैंने, 2 पावर 4 एंड 2 पावर 3 - 1, हेयर 2 पावर n, m - n - 1. कई सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सर ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो कंपेयर करना है बेटा. यहाँ पे कंपेयर सिमिलर पावर्स को कंपेयर करने के लिए ये फॉर्मेट बनाया. 2 की पावर थी मेरे पास, बेस 2 था, तो 2 में कन्वर्ट करना था सब कुछ, तभी कंपेयर हो सकता था. n तो डायरेक्टली 4 आ गया, m - n कितना आया, 3 आया. तो यहाँ से m की वैल्यू n + 3 विच इज़ 4 + 3 = 7. So m is 7 and n is 4. Option B right answer. Okay. Now let us do one more question on subset. The sets S and E are defined as given below. कैसे कैसे डिफाइन होते हैं, एस इक्वल टू एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन 1 एंड मॉड वाई माइनस 3 लेस देन 1 एंड ई इज डिफाइंड लाइक दिस, इट विल कंटेन्स ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10. ओके, सो which of the following is true, कौन सा सही है. चलिए देखिए, ऑप्शन ए है s is subset of e is subset of s, दो ऑप्शन तो ये बन जाएंगे, तीसरा ऑप्शन बना देते हैं s equal to e, ऑप्शन डी नन. तो चलिए ऑप्शन तो मैंने अपनी मर्जी से क्रिएट कर दिए हैं. फिलहाल इनमें से कोई एक सबसेट का क्वेश्चन है, या तो एस ई का सबसेट आएगा या फिर ई आएगा एस का सबसेट, और हमें यही चेक करना है. ऑप्शन 3 तो मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया, इक्वल तो नहीं है दिख रहा है. अब सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही है. तो पहला, सबसे पहले लेट अस फाइंड एस. एस कैसे आएगा, फॉर दैट एक्स माइनस 3 मॉड लेस देन 1 एंड एक्स माइनस 3 मॉड 1 से छोटा है, तो आप ग्राफ बनाइए एक्स माइनस 3 का मॉड 3 के अराउंड बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस इज मॉड एक्स माइनस 3 एंड इट इज एक्स, ये एक्स है और आपको 1 से छोटा चाहिए ना, दिस वैल्यू इज 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर 2 है और ये वाला 4 है, तो मतलब ये हुआ कि 2 एंड 4 के बीच में x रहेगा. सिमिलरली y माइनस 3 भी 1 से छोटा था, यस
तो इसमें भी टू लेस देन वाई लेस देन फोर होगा। ओके, तो जो एस सेट है ना वो कैसा आया? सेट एस कैन बी प्लॉटेड, कैन बी शोन, लिखो कैन बी शोन, इसको डायग्राम में शो करते हैं फिर सेट एस को। कैन बी शोन इन एक्स वाई प्लेन, कैसे शो करेंगे? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और जो एक्स है वो टू एंड फोर के बीच में चाहिए। टू मान लो यहाँ पे, फोर यहाँ पे है, एंड वाई भी टू एंड फोर के बीच में चाहिए। तो इन लाइंस को ड्रॉ कर लो ऐसे, और एक्स और वाई क्या जाएगा? एक्स और वाई में जो ये कॉमन एरिया है ना, दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज सेट एस। नाउ लेट अस चेक सेट ई। सेट ई में क्या है? ये तो सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे ना 10, इसको 100 करो, 100 100। अब कंप्लीट है क्वेश्चन। ये 10 से ही करना, तो 10 से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर 100 से प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। 10 से भी डी आना है आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस? इट इज अ सर्कल हैविंग सेंटर, जिसका क्या है, सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस, रेडियस जिसकी 10 है, तो ओरिजिन सेंटर है और रेडियस 10 है, तो इसी डायग्राम में शो कर देते हैं। मान लो ये 10 को करस्पॉन्ड करता है पॉइंट, और इधर ये 10 है, और वैसे ही यहाँ पर भी -10 आ जाएगा इधर को, और इधर -10, 0 0 को -10। तो इस सर्कल को ड्रॉ कर लो, सेंटर इसका ओरिजिन, रेडियस 10, तो ऐसे आ जाएगा। एंड दिस इज सेट ई, सेट ई है, और आप देख रहे हैं सेट ई में ये पूरा येलो शेडेड वाला रीजन आएगा। दिस इज होल सेट ई। अब सेट ई में अगर सेट एस आ रहा है ना, देखो जरा फिर से देखो, जो सेट एस है कम्प्लीटली ई में आ रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली इन ई, तो वी कैन से एस इज सबसेट ऑफ ई। दिस मीन्स ऑप्शन, विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज़ राइट। स्टूडेंट्स, ये फिर सबसेट का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वेरियस ऑपरेशंस ऑन सेट्स, लाइक इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, और इसको अच्छे से देखो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं।